सुबह हो गई है जनाब और सूरज निकल आया है, ऑलमोस्ट सारा निकल आया, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये है कि अभी सूरज निकल तो आया है, अल्लाह करे जैसे ही ऊपर जाए और थोड़ी सी धूप आ जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ, ताकि ये हमारा दिन हम पे भी अच्छा गुजरे, आप पे भी अच्छा गुजरे। तो चले चलते हैं, आज हम आलमसी में क्या 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 और हम क्या क्या करते हैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करेंगे। तो आइए। हाँ जी जनाब, तो सुबह हो गई है, सुबह क्या है तो खाना भी खा लिया हमने, तो हम तो ग्रीन टी पी रहे हैं। और आपको ये बताना है कमेंट में कि ये क्या है, चले आप मुझे बताएं फिर मैं आपको बताऊंगा। ये जो दूसरे बॉटल में है ये क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज जनाब हम आपको अपना स्विमिंग पूल दिखाते हैं जिसमें हम नहाते हैं। कुछ दिन पहले तो ये जम गया था, अब यार इधर से उधर जाना है, पानी है यार। ये रहा हमारा जी, ये सब ने मिल के इसको इसकी वो किया। ये देखे नदी से हमने इसका रास्ता इधर लाया, वो ये काफ़ी वो है, इस तरफ से इसका पानी फिर निकलता है ना, उस इधर से रास्ता है इसका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पानी इधर से आता है, फिर यहाँ से फिर चला जाता है उस वहाँ से, यहाँ से नदी जो आ रही है इसके साथ फिर मिल जाता है। हमने ख़ुद ये किया था, और ये जम भी जाता है अभी तो खैर, अब कुछ पिछले दिनों जम गया था, फिर से पानी इसका वो हो गया, थोड़ी सी थोड़ा सा मौसम सही हो गया। और वो सामने लड़के जो है वो खेल रहे हैं, वो बंटे खेल रहे हैं, बंटे बंटे अगर आपको पता हो। चल तो इधर हम आ गए, सिर्फ इतना सा फासला, ये मेरा घर है, लाइक ये बैठक है लेकिन इसके पीछे घर है, ये बस है। इधर नीचे उतरो, आ जाओ नहा लो इधर पे और फिर चले जाओ। और ये इधर मैं आ गया हूँ, ये क्या कहते हैं ये लोग गेम खेल रहे हैं, मुझे देख के खेल लिया रहेगा यार, खेलो या मुझे एक वीडियो ही बना दे दो, गजब बेइज्जती है। तो ये खेल रहे, तभी ये स्टार्ट हो गया फिर से, ये देख तो नहीं खेल रहे मैं कहा यार, तो मैं आ गया मेरी वीडियो के लिए नहीं खेल रहे हो क्या, यकीन करो क्या क्या बोल बोल के इनसे मैं खिलवा रहा हूँ मेरे बहुत जिंदगी है इनकी। ये देखिए इधर इसका आ गया, अब ये इसको मारेगा उधर का, मार गया तो ये इसका, ओ ये चार केला कहते नहीं तुम मारो, ओए ओए मार गया मार गया, अरे तमता बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। इनको देखो, इनको मैं कह रहा हूँ खेलो, ये जब मैं आ गया भागने लग गए, तो सनिश्ता वाले निश्ता साहब दर साहब की माँ जेब से याद भी निश्ता हाँ माँ तो दूस ये ता तो लोबा नजदा ना लोबा अजदार था चरंगे की गिने चंगे नस्तल सी दत से ओ ओ तब तभी चंगे नसे नसे ये हंस रहे हैं भाई देखा, वो बता रहा है कि ऐसे पकड़ के ऐसे करूँगा यहाँ से। सी पे मैं आ रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की, ये तीन गायें हैं, ये तीनों सेम कलर के, ये भी आधी सफ़ेद आधी काली, ये भी और ये भी, और ये इस बंदे के। वाह जी दूध में तो खेलते होंगे फिर ये लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरी बिल्लो रानी इधर खड़ी है, ये कौन लेके गए हैं? शायद किसी काम से मुझसे दूर खड़ी है ये, तो इसको मेरी याद नहीं आ रही, कितनी बेवफा है ये। आज मैंने पहली दफ़ा मतलब इस सर्दियों में पहली दफ़ा जैकेट पहनी है, क्योंकि हाँ सर्दी थी लेकिन कभी मतलब इतनी महसूस नहीं हुई। कल रात को मैं सो रहा था तो सुबह जब उठा तो बहुत सर्दी हो रही थी, जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो ऑलमोस्ट -1 ही था, फील्स लाइक तो -4 था -1। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ रात को स्नो फॉलिंग स्टार्ट हुई थी, 15 से 20 मिनट हुई है, मुझे नहीं पता था हुई है, तो फिर उसकी वजह से सर्दी बहुत हो गई थी ना, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब स्टार्ट हो गई है। आसपास के जितने पहाड़ है मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं तो हुई हुई है लेकिन हमारा इलाका अभी तक बचा हुआ था, लेकिन बस ठीक है अब होगी है तो क्या कर सकते हैं, देखेंगे। वो जो सामने पहाड़ है ना, ये नहीं ये मैं क्या ऐसी उंगली करूँ, ये नहीं ये इधर से नज़र नहीं आ रहा उस साइड से, हाँ ये जो हल्का हल्का, ये इधर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, अल्लाह ना करे
अल्लाह करे, सॉरी, अल्लाह करे कि हमारी साइड पे ना आए। ये देखे जनाब, नुकसान हो गया जी, पूरा शीशा था। ये वो आदत मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये इतना मतलब ऐसे लंबा था, बहुत वो बॉल लग गई इसको और टूट गया। ये भी टूट गया, ये तो खैर मुझसे नहीं टूटा, और ये मुझसे टूटा। मैं बॉल के साथ खेला था, सीधा इसको लगा, जैसे कि अब ये वाला है ना, ये सही है, और ये जो है बॉल लगने की वजह से गया। लेकिन अच्छा है किसी ने देखा नहीं, मैं भी बताऊंगा नहीं घर में, ठीक है। वैसे ही मेरे घर वाले ब्लॉग्स देखते ही नहीं है। ये देखे सारा पानी इधर आ गया है खेतों में, ये उधर से आया, ये सामने नज़र आ रहा है, इधर से पानी गिर रहा है और इधर से भी गिर रहा है ये और ये। मेरे ख्याल पानी ज़्यादा हो गया ना, तो वो उस पर गिर रहा है। भाई इनको चाहिए यार, भाई एक कॉल करता हूँ एक बंदे को, वो ये काम देखता रहता है ये, ताकि ये बंद कर दे, वरना इसको भी ख़तरा है, ये भी गिर सकता है। ये पानी का जो पुल बना हुआ है, ये भी गिर सकता है। फिर आप मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज फिर से मेरे साथ एक प्रैंक हो गया कल की तरह। आज मैं जा रहा था कहीं, तो मैंने सोचा जाता हूँ, ठीक है व्लॉग भी बना लूँगा, ठीक है। तो उधर गया मैं, खुश था यार व्लॉग बनाऊँगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था मेरे जेब में मोबाइल है कि नहीं है। जब मैं पहुँचा हूँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट आधा घंटे का सफ़र था, उधर पहुँचूँ देखा मोबाइल मेरे हाथ में ही नहीं है। मैं कहा लो जी क्या कर सकते हैं, अभी घर आया हूँ और इधर शाम भी हो गई है। अब तो मतलब देखते हैं, अब जो जितना बनेगा उतना ही बनेगा। लेकिन मैं सोचा चाहता पूरा दिन वो बना लूँगा, लेकिन बैड लक, चलो कोई नहीं, खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ जी शाम हो गई है, बस सुबह थोड़ी सी वो वीडियोस बनाई थी, अभी शाम हो गई है। आप लोग भी सोच रहे हो ये बंदा इधर ही क्यों घूमता रहता है। असल में ये हमारा बैठक है ना, तो घर मुझे अच्छा नहीं लगता। साफ सी बात है, मैं घर में वीडियोस बनाऊं, लाइक घर के पिलर को भी दिखाऊं। हर किसी की अपनी एक सोच होती है, मतलब इसमें ये नहीं है कि मैं कोई वो हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं घर के अंदर वीडियोस बनाऊं, लाइक रूम्स के अंदर, घर के अंदर। बस एक इंसान है, अपनी अपनी एक चॉइस है। तो बस हमेशा जब भी मैं बनाता हूँ बैठक सी बनाता हूँ। ये देखे पानी पूरा आ गया यार, मैं अपने रूम में आया हूँ। मैंने देखा ये मेरे वॉलेट के साथ पता नहीं क्या किया, मेरे इतने कार्ड, मैं पहले तो मैंने देख लिए थे, फिर मैंने दोबारा मोबाइल, मैंने कहा चलो इसमें भी ले आता हूँ, और लेकिन ये किसने चोरी की है। खैर मेरे वाले में कितने पैसे होने, 100 से ज़्यादा तो होती नहीं है। तो ये पता नहीं किसने चोरी की है। और ये देख के चलो नज़र आ भी है, मैं आपको चीज़ दिखा, ये भी मेरी मेरा आईडी कार्ड है, ये भी मेरा है, ये वाला और ये भी मेरा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर है, ये एक बहुत फ़नी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद ही। कि एक दफ़ा मुझसे कॉलेज में गुम हुआ था, दो दफ़ा यूनिवर्सिटी में गुम हुआ, एक दफ़ा अभी रिसेंटली दो एक महीने पहले गुम हुआ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो कॉलेज में जब गुम हुआ तो फिर मैंने नया बनवा लिया था ना, तो उसके बाद उसके एक महीने बाद वो फिर जब यूनिवर्सिटी में घूमा, फिर मैंने कहा ये भी आ जाएगा, मैं नहीं बना रहा था, लेकिन नहीं आया। जब मैंने बनाया तो वो जो है आ गया। फिर जब तीसरी दफ़ा घूमा था, फिर तो मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं क्या घूम गया तो खैर है ठीक है, एक दो पड़ी हुई, लेकिन वो फिर आ गया था। और अभी जो रिसेंटली वाला हुआ था, वो ये भी हफ्ते के अंदर आ गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरे से और चीज़ें नहीं गुम होती, लाइक कुछ भी नहीं गुम हुआ मेरे से अभी तक, यही गुम होता रहता आई डी कार्ड ही हमेशा। अरे कहना क्या चाहते हो। तो आज के गाने में जो हमारे पास है वो है साग, जो हमारा बहुत फेवरेट है। दूसरी साइड पे आपको देख ही रहे हैं कि एग्स है, लेकिन उसका सिर्फ वाइट है, क्योंकि आपको पता है आजकल हम डाइट पे हैं। तो इसके बाद अब इसको खाते हैं। क्या मैं आपको एक नई चीज़ दिखाऊं? नहीं। ये चीज़ देखिए, ये हमारे बैठक में पड़ा होता है, इसमें तकरीबन 10 से 15 लीटर तक पानी आता है। इसको हम यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में चाय बहुत पी जाती है। फिर आपको पता है अंगीठियाँ होती हैं ना, तो इस पर हर वक्त पड़ा रहता है, तो चाय गर्म रहती है, जब जिसका दिल जब चाय पर चाय पीता रहे। भाई साहब बहुत ज़्यादा सर्दी है, अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है। बाहर में गया था अभी, वो कॉल पर बात करनी थी जिससे, बहुत तेज हो रहा है। रूम में और लोग बैठे थे, लेकिन जब मैं उधर से आया मेरे हाथ जम गए थे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी यार।
तो जनाब आज के लिए यही था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपने, आपको पता तो आ गया करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है जो आप करते नहीं, लेकिन आप एक दिन करेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए मैं इजाज़त दे, अपने दुआ में याद रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।